उलमा अगर बयानात में हक गोई कर लें, सही बात बयान कर लें, तो बहुत से सुनने वालों को बर्दाश्त नहीं होता है। सूद के खिलाफ बोलूं मैं, सूद खोर खड़े हो जाएंगे। रिश्वत के खिलाफ बोलूं मैं, रिश्वत खोरों को लग जाता है। और जहेज खाने वाले हराम खोरों को बोले तो जहेज खाने वालों को लग जाता है। बेपर्दा घुमाने वालों को बोले तो बेपर्दा किसके साथ जीने वालों को उलमा की बात चुप जाती है। और जो चेहरे पर सुन्नत नहीं सजाते, जो धोखा देते, जो मिट्टी का खाते हैं, उनके खिलाफ बोलो तो उनको लगता है। जाहिर सी बात है, तो जब उलमा की बातें ही बुरी लगती हैं और इधर क्राइम बुरे नहीं लगते हैं, बदकारियां बुरी नहीं लगती हैं, शराब बुरी नहीं लगती है, जिना और रेप बुरा नहीं लगता है, वहां कोई मुंह नहीं खोलेगा, हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं बोल सकेगा, वहां मुतालबे नहीं कर पाएंगे, और यहां मेंबरों पर बैठकर जो हराम कारियां हमारे समाज में है उसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की सुनाई जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। क्या दोहरा और दोगला चेहरा है। जहां कुरान हदीस की सुनाई जाए वो भी भारी पड़ जाए, और जहां पर जुल्म की ये इंतहा हो जाए वहां पर कोई मुंह खोलने भी तैयार ना होता हो। एक वाकया तेलंगाना में पेश आया था कि इस तरह के रेप के वाकयात में मुब्तला होने वाले लोगों, 3 नौजवानों का इनकाउंटर कर दिया गया था। जैसे ही मालूम हुआ कि 3 मुजरिम है, इनकाउंटर कर दिया जाए, खुलेआम उन्हें मार दिया जाए, तब जाकर एहसास होगा कि इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई डेट नहीं, कोई अदालत का केस नहीं, फौरन इनकाउंटर किया जाएगा। तब आदमी के दिल में कानून का डर पैदा होगा, कानून का खौफ पैदा होगा। आज लोगों को ना समाज का खौफ है, ना बाप का खौफ है, ना खानदान का खौफ है, कानून का भी खौफ नहीं रहा, तो फिर बताइए जराइम बढ़ेंगे तो नहीं क्या होंगे। करो आसान करो, और तादुदे इस दिवाज, एक से ज्यादा निकाह को रिवाज दो। ये बददिमागी निकालो दिमाग से, दूसरा निकाह आयब है, तीसरा निकाह आयब है, जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी है, जिन्हें हैसियत है उलमा की मुकम्मल रहबरी में, दूसरे तीसरे निकाह का प्रोग्राम बनाओ। जब तक नहीं होगा बेवा औरतों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक नहीं होगा गरीब लड़कियों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक नहीं होगा शादी के बाद तलाक लेकर बैठी हुई औरतों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक तादुदे इस दिवाज, एक से ज्यादा निकाह को मुसलमान प्रमोट नहीं करेगा। फहश फिल्में देखने से बचो लड़कियां और नौजवान भी, ऐसे गंदे वेबसाइट पर मत जाओ, इससे खुद की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मखलूत निजाम माहौल, मुसलमान अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेजेस में ना पढ़ाएं। चाहे जाहिल रहे हमारी बेटी, घर संभाल ले, औलाद की तरबियत कर ले, लेकिन जहां उसकी इज्जत दांव पे लग जाए, उसका क्लासमेट उसके साथ पढ़ने वाला उसका रेप कर दे, उस कॉलेज से बेहतर ये जिहालत है जहां पर वो घर में रहकर अपने खानदान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله عليم بما يصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में आप हजरात के सामने जिस उनवान पर कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं वो मुल्क में पेश आने वाले हादिसात और वाक़ियात में से बहुत ही घटिया और घिनौना किस्म का वाक़िया, लड़कियों की इस्मत रेज़ी, उनका रेप किया जाना, उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट करना, इस मुतालिक हर मुल्क का हर बाशिंदा जिसके सीने में दिल है, इंसानियत है, रहम के जज्बे हैं,
हैवान और दरिंदे किस्म के लोग नहीं हैं, सब तकरीबन परेशान होते हैं कि लड़कियों और ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों वो अमन और सुकून से कहीं आ जा नहीं सकती हैं। इस मुतालिक हमें इस्लामी और अक़ल की नज़र में गौर करना चाहिए कि इसका असल सबब क्या है और इसका हल क्या है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तकरबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु फाहिशा, ये बहुत घटिया घिनौना और गंदा काम है, वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। यहाँ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़िना मत करो, ये नहीं फरमाया, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मतलब क्या है, ऐसे काम भी मत करो जो तुम्हें ज़िना पर उकसाएं, ऐसे काम भी मत करो। जैसे आज के ज़माने में किसी लड़की को देखना, उसके ख्यालात में रहना, उसका मोबाइल नंबर लेकर कांटेक्ट करना, या लड़कियों की तस्वीरें देखते रहना, बाजू बैठना, दोस्तियां करना, फ्रेंडशिप करना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये को सिस्टम के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये सारे तरीक़े वो हैं जो आपको जिना की तरफ ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे काम भी मत करो जिससे तुम एंडिंग में जाकर जिना कर लो। तो हमको अल्लाह ताला ने उन असबाब से भी रुकने का हुक्म फरमाया है जो असबाब बुराई की तरफ ले जाते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, मोमिनों से कह दो, ईमान वालों से कह दो जिनके सीनों में ईमान है, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, अपने निगाहों को नीचे रखें, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, ये दो काम करोगे, निगाह की हिफाजत, निगाह नीचे रखो, इधर उधर मत देखो। आदमी बहकता कब है, जब निगाह बहकती है, निगाह बहकने से ख्याल बहकता है, दिल बहकता है, फिर कदम बहकते हैं, फिर उसके बाद आदमी जिना का मुर्तकिब हो जाता है। मोहब्बत शुरू आँखों से होती है। आगे फरमाया, वल्लाहु अलीमुम बिमा यसनाउन, जो कुछ भी कर रहे हैं लोग दिन रात के अंधेरे में, सब अल्लाह ताला जानते हैं कौन क्या कर रहा है। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकरना फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, औरतों से कह दो कि वो अपने घरों में रहें और मजबूती से रहें, हर थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए घर से ना निकलें, और जाहिलों की तरह ना रहें निकलने में, यानी आपको पर्दे के साथ, जिस्म ढका हुआ, मेकअप के साथ जो आदाब बताए गए, खुशबू लगा कर ना निकलें, टाइट कपड़े ना पहने, तंग कपड़े ना पहने, छोटे कपड़े ना पहने, पतले कपड़े ना पहने, अपने जिस्म को छुपाएं, नुमाइश ना करें, तुम्हारा जिस्म दावते जिना है, तुम्हारी चाल दावते जिना है। जिस रंग ढंग से आज की लड़कियां बाहर निकलती हैं, हर शरीफ आदमी भी अपनी शराफत पर बाकी नहीं रह सकता, देखने के बाद खुद ब खुद अंदर से दाइया पैदा हो जाता है। लोग मर्दों को मुजरिम शुमार करते हैं कि रेप किया, बदकारी किया, फलां किया, लेकिन मौका किसने दिया? मौका तो लड़की ने ही दिया कि अगर तुम बाहर ना निकलते, ऐसे कपड़े ना पहनते, ऐसा फैशन इस्तेमाल ना करते, जिस्म ढांकते, तो इंसान की नज़र ना पड़ती, तो उसके अंदर हवस भी पैदा नहीं होती। ये कौन सी अक्लमंदी है कि किसी लड़के के सामने लड़की को अदनंगा करके खड़ा कर दिया जाए, फिर उसके पाक दामनी का इम्तिहान भी लिया जाए? इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने आप को भी लोगों के सामने पेश मत करो कि तुम्हारे साथ ज़्यादती की जा सके। अब यहाँ इस्लाम और जमहूरी मुल्क का नुक्ते नज़र समझें। इस्लाम क्या कहता है, जिना किसे कहते हैं कि निकाह के ताल्लुक़ के बग़ैर कोई भी ताल्लुक़ जिना में दाखिल होगा। मौजूदा हालात में, पहले ज़माने में था कि बांदी से भी सोहबत जायज़ थी, अब बांदियों का ज़माना नहीं है।
जायज तरीके से जो रिश्ता होता है निकाह का, उसके बगैर आपका कोई भी ताल्लुक हो वो जिना में दाखिल है। अब मसलन लड़का 18 साल की लड़की हो गई, लड़का 21-20 साल का हो गया, अब दोनों कानून के लिहाज से सेक्सुअल हो गए, वो अक्लमंद और बालिग हो गए कानून की नज़र में। अब इन दोनों को इजाज़त है, कानून ये इजाज़त देता है कि अब लड़का लड़की अपनी मर्जी से रहना चाहते हों, लिव इन रिलेशनशिप करना चाहते हों और बदकारी भी कर लेना चाहते हों तो उन्हें कानूनन इजाज़त है। तो मतलब क्या हुआ, जमहूरी मुल्क में जिना वो नहीं है जहाँ पर लड़का लड़की अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से सोहबत कर लेते हों तो वो जिना नहीं है। और इस्लाम ये कहता है कि रजामंदी से करो, ज़बरदस्ती से करो, बहर सूरत वो जिना है। तो दोनों के सोच और कानूनी नज़रिए में फ़र्क हो गया। इस्लाम ये कहता है कि निकाह के बगैर करोगे, किसी से भी कोई ताल्लुक़ रखोगे, वो जिना है। कानून क्या कहता है, नहीं निकाह ज़रूरी नहीं है, रजामंदी ज़रूरी है। अगर रजामंदी से निकाह के बगैर भी रहते हैं तो जायज़ है, कोई कानूनन जुर्म नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, कानून ये कहता है कि जबर नहीं चाहिए, जबर अगर होगा तो फिर वो जिना में दाखिल होगा, वो रेप में दाखिल होगा। तो अब मतलब क्या हुआ, कानून की नज़र में अगर कोई शादीशुदा मर्द शोहर अपनी बीवी के साथ, बीवी नहीं चाह रही है सेक्स करना और शोहर उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स कर रहा है, तो कानून की नज़र में ये भी रेप में दाखिल है। इसे शोहर को सज़ा दी जा सकती है अगर बीवी ने केस कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, रजामंदी है तो बाहर की किसी भी औरत से भी ताल्लुक़ रख लो, कोई मसला नहीं। रजामंदी नहीं है, घर की औरत से भी आप ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, ये कानून बोल रहा है। तब उसका अगला कदम क्या होगा, जब तक लड़का लड़की दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहेंगे, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की पूरी ख्वाहिशात, मेकअप बक्स हो, आइसक्रीम हो, पार्क हो, कपड़े हो, जूते हो, सैंडल हो, जो कुछ भी दिला रहा है, तब तक वो खुश है। उस वक्त तक जो कुछ भी जिना हो रहा है वो रजामंदी से हो रहा है। जैसे ही ब्रेकअप होगा और लड़का लड़की में नफ़रतें पैदा होंगी तो अब इस लड़की को इख्तियार है कि अब तक जो कुछ भी हुआ लिव इन रिलेशनशिप के बहाने, उस सब के बारे में कोर्ट में केस कर सकती है कि इसने मुझे सेक्सुअल हरासमेंट किया और मेरे साथ रेप किया। क्यों, ब्रेकअप हो चुका है। अब उसके बाद वो रजामंदी को भी वो जबर में और रेप में बदल कर केस कर सकती है। तो जब वो इस तरह का बहाना उसे मिल गया तो अब लड़का क्या करेगा, अपनी नफरत और दुश्मनी निकालने के लिए अब रेप करने के बहाने बनाएगा, अब दोस्तों को लेगा, गैंग तैयार करेगा, अपनी ही बॉयफ्रेंड के साथ फिर गैंग रेप होगा। क्यों, कानूनी सोच ही बदल गई कि तुमने पहले स्टेप ये इजाज़त दे दिया कि रजामंदी से तुम कुछ भी कर ले सकते हो, ये रजामंदी नतीजतन जबर और रेप पर आकर रुकी है। और इधर मियां बीवी के आपसी ताल्लुक को भी तुमने रेप में कर दिया, अगर वो जबर के साथ हो, रजामंदी के साथ ना हो। इस्लाम और जमहूरी मुल्क का नुक्ता नज़र बदल गया तो रेप की बुनियाद ही शुरू हो चुकी है कि आप रजामंदी के बाद आगे जबर के रास्ते भी आपको फराहम हो सकते हैं। इस्लाम में जिना के लिए रजामंदी ज़रूरी नहीं है, जबरन करो, रजामंदी से करो, बहर सूरत जिना है। और जिना के साबित होने के लिए सिर्फ ब्रेकअप हो जाने के बाद लड़की ने केस कर दिया तो मान लिया गया और लड़के को ले जाके बेकसूर है फिर भी जेल में डाल दिया गया, पोस्टरों में छाप दिया गया, मीडिया में बदनाम कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम में लड़की के महज दावा करने से कि मेरे साथ जिना हुआ है, तो जिना हुआ रजामंदी से हुआ, तो लड़की को भी सज़ा मिलेगी, लड़के को भी सज़ा मिलेगी। और दावे के बाद फिर उसके लिए गवाही भी पेश की जाएगी कि लड़की तो दावा कर रही है लेकिन लड़के की तरफ से क्या मुतालबा है, दोनों की सुनी जाएगी, किसी को आज़ादाना छूट नहीं दे दी जाएगी कि तुम दावा कर दिए बस ख़त्म, इसे सज़ा दे दो, इसे अंदर कर दो, बदनाम कर दो। दूसरी बात यह समझना है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो इब्तिदा है ये दरअसल एक इस्तेलाह
जिनसी जराइम की जिना हो रजामंदी के साथ, जिना हो जबरन, या जिना करने के इकदामात हों, हरासमेंट करना हो, उसे छेड़ना हो, या इस्मत रेजी हो, खुद औरत अपनी इज्जत बेचना हो, या किसी को किडनैप करके उसकी इज्जत लूटी जाना हो, ये सब चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में दाखिल होती हैं। ये सेक्सुअल हरासमेंट की इस्तेला कब से शुरू हुई आपको ताज्जुब होगा, इस्लाम जब से आया है उस वक्त से लड़का लड़की के आपसी ताल्लुक को हराम कहता है। बॉयफ्रेंड बनाना हराम है, गर्लफ्रेंड बनाना हराम है, लव मैरिज करना हराम है। शादी के बाद आप बीवी से मोहब्बत नहीं बल्कि चार शादियां करो, इसकी शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन शादी से पहले एक भी ताल्लुक को शरीयत इजाज़त नहीं देती। मंगनी के बाद भी अपने मंगेतर से फ़ोन पर बात करना नाजायज़ और हराम है, अब वीडियो कॉल करना नाजायज़ और हराम है। मंगेतर बनने से रिश्ता हलाल नहीं हो जाता जब तक कबूल किया के ज़रिए से काजी के सामने या आपस में गवाहों के सामने बैठकर निकाह हकीकतन नहीं होता, उससे पहले कोई किसी का हलाल मामला नहीं होगा। ये सेक्सुअल हरासमेंट और जिना, रेप, ये जबर, ये सब कब से शुरू हुआ आप देखें, 1970 के बाद से पूरी दुनिया में गोया के रेप एक क्राइम है, ये 1970 के बाद शुरू हुआ। उससे पहले दुनिया के किसी मुल्क में रेप का तसव्वुर ही नहीं था, मतलब किसी के साथ ज़्यादती के साथ जिना करना ये जुर्म शुमार नहीं होता था। लोग जिना करते थे, रेप होता था, सब चलता था, लेकिन क्राइम शुमार नहीं किया गया था 1970 से पहले। 1975 में अमेरिका की रहने वाली ये खातून वुमेन राइट्स लाइन फ्रेली ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपने कुछ ख्वातीन की शिकायतें पेश करते हुए कि ख्वातीन को मुलाजमत और जॉब की जगहों पर उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से लेडीज जॉब छोड़ रही हैं, उस पर उसने केस दायर किया और उस लेडी ने एक किताब लिखी, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑन द जॉब। उसमें उसने पूरे जॉब सेंटरों में और कॉलेजों में जहाँ जहाँ पर लड़कियों औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है वो सारी सूरतें वाकियात बयान की। उसके बाद ये शूर बेदार हुआ कि औरत के साथ ज़्यादती क्राइम है, वरना उससे पहले ज़्यादती क्राइम शुमार नहीं की जाती थी। चुनांचे 1994 में बिल क्लिंटन के दौर में कानून बना, वुमेन एक्ट बना, कि लड़की की रजामंदी के बगैर उसके साथ ताल्लुक़ रखना ये रेप में दाखिल है, क्राइम है, इस पर सज़ा हो सकती है। इस्लाम और यूरोपियन कल्चर के कानून का अंदाज़ा कर लें, इस्लाम रोज़े अव्वल से इस ताल्लुक़ को हराम कर दिया, और अमेरिका 1994 से पहले कोई कानून बना नहीं सका औरतों के रेप से मुतालिक। तो आप बताइए ख़वातीन को हुकूक़ किसने पहले दिया, और ख़वातीन का कि नाजुक और उनकी कमज़ोरी का एहसास पहले किसने किया, अमेरिका ने किया या इस्लाम ने किया। और तीसरी बात ये समझें, आज हम आलिम कोर्स की किताबों में भी पढ़ते हैं इंसान की तारीफ क्या है, तो कहा जाता है हैवानुन नातिकुन, इंसान हैवान नातिक है, यानी उसके अंदर हैवानियत है, और अलबत्ता दूसरे हैवानों से इसलिए मुमताज़ है कि ये बोलता है, दूसरे हैवान नहीं बोलते हैं, ये तारीफ की जाती है। आज पूरी दुनिया का कहना यह है, तमाम समाजी उलूम रखने वाली तंजीमों का ये कहना है, इंसान किसे कहते हैं, इंसान कहते हैं सोशल एनिमल, इंसान ये सोशल एनिमल है, जानवर है, हैवान है ये। तो आप बताइए इंसान को पूरी दुनिया हैवान क्यों तस्लीम करना शुरू कर दी है, वो इस वास्ते की है कि दूसरे हैवानों की जो आदतें हैं वो आदतें इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं, हलाल हराम, झपटना, जुल्म करना, चीर पाड़ खाना, मारना, तोड़ना, ये सारी चीज़ें हैवान के अंदर होती हैं, वह इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं। बस इंसान चूंकि एक समाज बनाकर रहता है, फैमिली बनाकर रहता है, एनिमल फैमिली बनाकर नहीं रहते, किसी जानवर के खाला मामू भाभी नानी चाची दादी किसी जानवर के नहीं हैं, ये सिर्फ सोशल एनिमल के हैं,
इंसान के हैं, इस वास्ते वो जानवरों से थोड़ा मुमताज हो गया, वरना ये भी जानवर ही है। तो आप बताइए, किसी जानवर के सामने, शेर भेड़िए के सामने गोश्त रखा जाएगा, भेड़िए के सामने अगर कोई इंसान आ जाएगा तो वह थोड़ी देखेगा कि यह इंसान कमज़ोर है, यह इंसान गोरा है, यह इंसान बच्चा है। भेड़िया हमला करते हुए किसी की खूबसूरती नहीं देखता। ऐसे ही हैवान के सामने, सोशल एनिमल के सामने जब कोई लड़की आ जाती है तो कभी कभार इसकी हैवानियत भी जाग जाती है, तो फिर वो नहीं देखता कि ये स्टूडेंट है, ये 5 साल की बच्ची है, ये कमज़ोर है, ये जिना के काबिल नहीं है, ऐसा फिर ये हैवान भी नहीं देखता। तो इससे मालूम हो गया कि जब 2012 में मुल्क की राजधानी दिल्ली में पैरामेडिकल की तालिबा के साथ चलती हुई बस में 6 नौजवानों ने ज़बरदस्ती उसकी इस्मत रेजी की और एक लड़की के साथ 6 नौजवान चलती हुई बस में रेप करने के बाद फिर उसे चलती हुई बस से ही बाहर फेंक दिया। अब आप बताइए, ये वही सोशल एनिमल है, हैवान है, जिसके अंदर हैवानियत और दरिंदगी जागी तो लड़की के साथ क्या हो रहा एहसास नहीं हो रहा। हालांकि वो 6 दरिंदे, उनके घर में भी कोई बहन होगी, उनकी कोई भांजी होगी, कोई भतीजी होगी, माँ होगी, कोई ना कोई रिश्ता उसका किसी लड़की से होगा, लेकिन उन हैवानों को इस लड़की के साथ ज़्यादती करते हुए अपनी माँ बहन याद नहीं आई। तो जैसे जंगल के हैवानों को किसी हैवान पर हमला करते हुए किसी जानवर की बहन, किसी जानवर की माँ, किसी जानवर की बेटी, ये ख्याल जंगल के जानवरों को नहीं आता है, ऐसे ही सोशल एनिमल को भी किसी रिश्ते का ध्यान नहीं रहता है। जब वो वाकया 2012 में पेश आया चलती हुई बस में रेप करने का, तो 8 दिनों तक दिल्ली बंद रही, सड़कों पर एहतजाजात हुए, मीडिया में वही खबरें चलती रही, पुलिस अफसोस का इजहार, हुक्मरान अफसोस का इजहार, तंजीमें अफसोस का इजहार, उस रेप शुदा मजलूम लड़की की तस्वीर लेकर, मोमबत्तियां लेकर पूरे गली और सड़कों पर घूमा गया। ऐसा हंगामा हुआ, महसूस हुआ ऐसा कि अब इसके बाद मुल्क में रेप के वाकयात कम हो जाएंगे, अब ऐसे वाकयात पेश नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने गुजरे, फिर हैवान जाग उठे, फिर वही हैवानियत और दरिंदगी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी है। इस इंसान की हैवानियत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जैसे जैसे ज़माना तरक्की करते जा रहा है, मालूम हुआ हैवानों की हैवानियत ख़त्म करने का रास्ता एहतजाज करना नहीं है, मोमबत्तियां लेके सड़कों पे निकलना नहीं है, इससे इजहारे गम होगा, इजहारे इंसानियत होगा, हमदर्दी का जज्बा जाहिर होगा, लेकिन क्राइम रुकना इसके ज़रिए से नहीं हो सकता है, मजलूम को हक और इंसाफ इसके ज़रिए से नहीं मिलता है। असल असबाब पर गौर करना होगा, फिर उसके बाद उनका हल भी निकालना पड़ेगा। जब जब भी इस्मत रेजी का कोई वाकया पेश आता है, उमूमन क्या होता है, पुलिस भी रिपोर्ट देती है कि हम मुजरिमों को तलाश कर रहे हैं, उन्हें पकड़ कर अंदर करेंगे, उन्हें सज़ा देंगे, इत्मीनान दिलाने की बातें करते हैं, हुक्मरान अफसोस जाहिर करते हैं, औरतें रोना धोना करती हैं, और जितनी तंजीमें हैं वो इंसाफ का मुतालबा करती हैं। जिस रियासत में ऐसा वाकया पेश आया, वहाँ की पार्टी अपनी मुखालिफ पार्टी के खिलाफ भी मुंह खोलती है कि तुम्हारी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। इस तरह हर आदमी अपने अपने हिसाब से उस वाकये पर इजहार अफसोस करता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है इजहार अफसोस के अलावा वाकये का और क्राइम का सही हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। चुनांचे आप देखें, दिन गुजरते गुजरते हिंदुस्तान में सैर व तफरी की खातिर, पिकनिक की खातिर बाहर मुल्कों की जो लेडीज़ आ रही हैं वो भी इस लानत से महफूज नहीं है। 5 साल से लेकर 60 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं हैं, ना मासूम लड़कियां महफूज हैं, ना बूढ़ी औरतें महफूज हैं। आज क्राइम इतना बढ़ते जा रहा है हमारे मुल्क में, 2-4 वाकयात देखें हमारे मुल्क में इस तरह के क्राइम के वाकयात किस तरह रूनुमा होते हैं। 2017 में कई वाकयात पेश आए, यहाँ 2-4 वाकयात रेप के, जिसमें लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं उसे ज़िक्र किया जाता है, ताकि एहसास हो कि कैसे ये वाकयात रूनुमा होते हैं।
पहला वाकया 16 जून का 2017 14 साला लड़की के साथ 6 लड़कों ने जो उससे भी उम्र में कम थे, लड़की 14 साल की है, लड़के इससे भी कम उम्र के हैं, उनमें से एक लड़का खुद उस लड़की का क्लासमेट भी है और एक लड़का उससे नीची क्लास में पढ़ता है, इन 6 लड़कों ने उसके साथ रेप की और ज्यादती की चलती ही हुई ट्रेन में, और रेप होने के बाद लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब आप बताइए, इनमें से कोई भी कानून के लिहाज से भी सेक्सुअल नहीं है, यानी 18 साल के नहीं है कोई भी, सब 14 साल के नीचे के हैं। तो आप बताइए, जिस जिना को कानून ये कहता है कि रजामंदी से जायज है, वो आपने दिया 18 साल के बाद, लेकिन वो होते होते 14 साल 12 साल में भी रजामंदी नहीं, जबरदस्ती से भी आ गया। इस्लाम इसीलिए रजामंदी का दखल नहीं देता है, राजी हो तो कुछ भी कर लो। जैसे बाज लोग कहते हैं, सूदी कारोबार करने वाले, हम उसे 1,00,000 रुपए दिए, वो माहाना 3,000 अपनी खुशी से देने के लिए तैयार है, तुम्हारी खुशी का एतबार नहीं होगा, शरीयत की खुशी का एतबार किया जाएगा, शरीयत तुम्हारे इस मामले पर राजी है या राजी नहीं है। राजी नहीं है तो फिर ये सूदी इंटरेस्ट का मामला है, नहीं वो खुशी से दे रहे हैं। खुशी से क्यों दे रहे हैं उसे पूछो, खुशी से दे रहा है। अगर ये कहो कि 1,00,000 रुपए रख लो और मुझे कुछ मत दो, 6 महीने के बाद मेरे 1,00,000 रुपए लौटा दो, इससे ज्यादा खुशी होगी। मालूम हुआ कि ये खुशी नहीं है, मजबूरी है, जिसे खुशी का नाम दिया जा रहा है। दूसरा वाकया, 19 साल माँ के साथ 8 महीने का बच्चा, ऑटो रिक्शा में माँ अपने बच्चे को लेकर सफर कर रही है, तो रिक्शे में बैठे हुए ड्राइवर और उसके साथ 2 साथियों ने, हरियाणा का ये वाकया है, उस माँ के साथ, 19 साल माँ के साथ मासूम 8 महीने के बच्चे की मौजूदगी में रेप किया, और बच्चा जब रोने लगा, बच्चा रोना डिस्टर्ब किया, चलती ऑटो से बच्चे को बाहर फेंक दिया गया। तो आप बताइए, ये सोशल एनिमल है, हैवान है, दरिंदा है, जब इसके अंदर दरिंदगी जागती है तो 8 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया जाता। तीसरा वाकया है, 23 साल लड़की मरी हुई खौफनाक हालत में पाई गई, जब उसे देखा गया तो उसका सर पत्थरों से कुचल दिया गया था। सोनीपत का ये वाकया है, बाद में मालूम हुआ कि उसी के गांव के लोगों ने उसके साथ ये हरकत की है। जितने क्राइम हैं इसमें मालूम यह होता है कि लड़की के साथ रेप होने में खुद उसके सनाशाओं का दखल होता है, जान पहचान के लोग, करीबी लोग, रिश्तेदार, क्लासमेट, एक ऑफिस में काम करने वाले, एक कॉलेज में पढ़ने वाले, यही लोग अपने ही किसी जान पहचान की लड़की को शिकार बनाते हैं। चौथा वाकया, 8 साल की मासूम बच्ची के साथ, कलकत्ता की रहने वाली इस छोटी सी बच्ची के साथ खुद उसके चाचा ने रेप करके उसे मार दिया। अभी हाल में भी जो वाकया पेश आया, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ, कलकत्ता का ही वाकया है, सब हजरात जानते हैं। पांचवा वाकया है, 35 साल खातून और उसकी 14 साल बच्ची के साथ इस्मत रेजी का वाकया पेश आया, जबकि दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे इलाज की खातिर, हॉस्पिटल जाते हुए गाड़ी पंचर हो गई, ड्राइवर ने लोगों से टायर बदलने के लिए मदद मांगी, तो मदद करने वालों ने ही इन 2 खवातीन का रेप कर दिया। छठा वाकया है, बिहार का है, इस्मत रेजी का वाकया, बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले गया, इस्मत रेजी के बाद घर के अंदर ही केरोसिन ऑयल डाल के अपनी गर्लफ्रेंड को जलाकर राख कर दिया। इससे सबक लें बॉयफ्रेंड बनाने वाले, गर्लफ्रेंड बनने वालियां। सातवां वाकया, 38 साल खातून, तेलंगाना का वाकया है कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को शराब पिलाई और खुद भी शराब पी उसके बाद, और बॉयफ्रेंड की उम्र है 60 साल, बॉयफ्रेंड की उम्र है 60 साल। अब शराब पिलाकर इस्मत रेजी करके उसके साथ जुल्म ज्यादती की गई, और अफसोस की बात यह है, ये पूरा रेप का जो वाकया पेश आया, इसका वीडियो बनाने वाली इस 60 साल खातून की बीवी है, ये वीडियो बना रही है और उससे हरासमेंट किया जा रहा है। आठवां वाकया, 7 साल बच्ची के साथ उसके घर पर उसकी इस्मत रेजी की गई और उसे खून में लुतपत हालत में खेत में फेंक दिया गया। ऐसे 2017 में 11 वाकयात नकल किए गए हैं, जिसमें माजूर लड़की अपने मंदिर में
पूजा करके बाहर निकलने में पैर से माजूर है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, मंदिर के अंदर ही उस लड़की के साथ इस्मत रेजी करके उसे मार दिया गया। तो आप बताएं, इन वाकियात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना मासूम बच्चियां महफूज हैं, ना बूढ़ी उम्र की औरतें महफूज हैं, ना बूढ़े उम्र के लोग अपनी इज्जत की हिफाजत और अपनी इंसानियत की हिफाजत कर पाते हैं। मुल्क में लड़कियों की इस्मत रेजी की जो रिपोर्ट है उसे ह्यूमन राइट्स वॉच प्रोजेक्ट के तहत जो सर्वे किया गया, सामने ये रिपोर्ट आई है कि 1,00,000 लड़कियों में से सालाना 1,00,000 लड़कियों में से 16,000 लड़कियों का रेप किया जाता है, 16,000, और उसमें निचली जात के लोगों का ज़्यादा दखल रहता है, निचली जात की लड़कियां औरतें इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। और ये 2014 की रिपोर्ट है और हुकूमत का अंदाज़ा ये है कि ये जो 16,000 का जो सर्वे है लाख में से, ये सिर्फ 5 से 6% वो है जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, और जो लोग इज्जत जाने के डर से रेप करने वाला जान लेने की धमकी देता है, मार देने की धमकी देता है, पैसों से खरीद लिया जाता है, वो सारे केसेस जो दर्ज नहीं किए गए उसका कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं है। और आप बताएं कितने अफसोस की बात है, जिस्मानी ताल्लुक के लिहाज से बाज़ लोगों को जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता, जला दिया जाता, हाथ पैर तोड़ दिए जाते, उन्हें ज़िंदगी भर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता। ये सारे केसेस वो हैं जो इस्मत दरी के हैं, वरना जो लीव इन रिलेशनशिप में कितने केसेस हुए, जिना रजामंदी के साथ कितने हुए, जायज़ ताल्लुक़ जो कानून की नज़र में है कितने हुए, उसका कोई सर्वे महफूज नहीं है। हिंदुस्तानी लिहाज से अगर देखा जाए, हिंदुस्तान की एक नोबल इनाम याफ्ता खातून है जो हुकूक़ अतफाल के सिलसिले में नोबल प्राइज़ पाई है, कैलाश सत्यार्थी, उसने मुल्क में का सर्वे करके लिखा है कि हमारे मुल्क में ये रोज़ाना 55 बच्चियों के साथ रोज़ाना रेप किया जाता है, 55 बच्चियों के साथ रोज़ाना रेप किया जाता है। और ये सर्वे उसने 2016 में पेश किया था, और 2016 में उसने लिखा था कि सिर्फ 2016 की रिपोर्ट ये है, बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उनके साथ रेप किया गया, 1 साल की रिपोर्ट ये है कि 1,00,000 केसेस पेश आए बच्चियों के साथ जिनसी हरासमेंट के। और यही खातून लिखती है 2013 से 2016 3 साल के अरसे में हमारे मुल्क में सेक्सुअल हरासमेंट करने की जो फ़ीसद है 84%, 84% इजाफा हो गया। तो आप बताइए, तरक्की होती जा रही है मुल्क की, मुल्क में औरतों को अमन और इज्जत और हिफाजत उनकी बढ़ती जा रही है। अफसोस देखिए कि 2012 से लेकर 2016 के दरमियान में जो वाकयात पेश आए, 2012 में 8,541 वाकयात जिनसी हरासमेंट के पेश आए, तो 2016 में 8,000 से बढ़कर 19,765 वाकयात जिनसी हरासमेंट के हो गए। तो जिनसी हरासमेंट बढ़ते जा रहा है लेकिन हल कोई भी निकाल नहीं पा रहा है। और तो अफसोस की बात यह है कि 2016 में जिनसी वाकयात जो पेश आए उसमें 48,060 वाकयात पेश आए, जिसमें से 3,851 वाकयात के केसेस दर्ज किए गए और उनको सज़ा मिली। मतलब क्या हुआ, 48% रेप के केसेस, 48,000 रेप के केसेस हुए, उसमें से सिर्फ 3,000 लोगों को सज़ा मिली। तो मतलब क्या हुआ, बाकी लोगों का कोई केस नहीं हुआ। मतलब 36% नोटिस लेने के बाद भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिल पाई, केस करने के बाद भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिल पाई, ये हाल है। तो आप बताइए, जब मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाएगी, रैलियां निकाली जाएंगी, मोमबत्तियां ली जाएंगी और उसका फ़ोटो लेकर गम का इजहार किया जाएगा, और जिसके हाथ में कानून है, पुलिस जिसके हाथ में डंडा है, वो तो मासूमों पर बरसेगा, मुजरिमों पर नहीं बरसेगा, तो क्राइम कम नहीं होगा, क्राइम बढ़ते जाएगा। क्योंकि क्राइम करने वाले को मालूम है कि कौन क्या
मेरा बिगाड़ लेगा, कौन क्या कर लेगा, रिश्वत फेंक दो, चंद हड्डियां फेंक दो, हर कोई आदमी बिकने के लिए तैयार है, हर कोई आदमी कुत्ता बनने के लिए तैयार है। तो मुजरिम को जब तक कानून का डर नहीं होगा, क्राइम बढ़ते ही जाएगा। अफसोस ये सब वाकयात कहाँ पेश आ रहे हैं, ये सब वाकयात वहाँ पेश आ रहे हैं जिस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को, मुल्क में रहने वाली पब्लिक को ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और ये कहा जाता है कि यहाँ रहने वालों के लिए औरतें देवी हैं, औरतें लक्ष्मी हैं, औरतों को खुदा बनाया जाता है, मासूम बच्चियों के पैर धोकर पिए जाते हैं, और फिर उसी मुल्क में इन लड़कियों के साथ ये ज़्यादती के वाकयात पेश आते हैं। जिनसी तशद्दुद के लिहाज से आप देखें पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर एक मुल्क है एथोपिया। एथोपिया ये मुल्क ऐसा है जहाँ पर 60% औरतें, यानी 100 में से 60 औरतें सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार रहती हैं। हर 17 में से एक खातून को रेप किया जाता है। दूसरे नंबर 9वें नंबर पर आता है श्रीलंका, जहाँ जिना के वाकयात में से हर 4% मामलात की सुनवाई होती है, यानी मतलब 100 औरतों का अगर रेप हुआ 4 औरतों का मसला हल होगा, 96 औरतों का मसला हल नहीं हो पाता है। और 8वें नंबर पर आता है कनाडा, जहां पर 25 लाख रेप के वाकयात सालाना पेश आते हैं। 7वें नंबर पर आता है फ्रांस, जहां पर 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर 1980 से पहले रेप कोई जुर्म ही शुमार नहीं किया जाता था। 1992 में कानून बनने के बाद रेप के जो केसेस वहाँ नोटिस किए गए, दर्ज किए गए 75,000 सालाना केसेस, रेप के केसेस, सिर्फ रजामंदी के केसेस का कोई हिसाब नहीं है। और जर्मनी आता है 6वें नंबर पर, जहाँ पर सालाना 65,54,000 केसेस पेश आते हैं रेप के। और 5वें नंबर पर आता है इंग्लैंड, 4थे नंबर पर आता है हिंदुस्तान। हर 22 मिनट में एक औरत का रेप किया जाता है, हर 22 मिनट में 20 मिनट में एक औरत का रेप किया जाता है। यौमिया रेप करने की भी रिकॉर्ड हिंदुस्तान का लिखा गया है। अफसोस से कहना पड़ता है जिस अमेरिका के पीछे लोग भागते हैं वहाँ पर आर्मी में भी रेप होता है, पुलिस में भी रेप होता है, कॉलेज में भी रेप होता है, हॉस्पिटल में भी रेप होता है, कोई जगह महफूज नहीं है जहां पर औरतें इज्जत के साथ जी सकती हों। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब दामत बरकातुम ने लिखा, अमेरिका की रिपोर्ट 1990 के हिसाब से वहां पर तकरीबन रोज़ाना का के वाकयात 1900 वाकयात रेप के रोज़ाना पेश आते हैं, 1900 वाकयात रोज़ाना रेप के पेश आते हैं। जिस अमेरिका की धूल चाटने एशिया के लोग जाते हैं, जहां औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप अमेरिका में पेश आता है, हर 16 मिनट में। अमेरिका की ख़वातीन की तादाद 1990 के हिसाब से 16 करोड़ लेडीज़ अमेरिका में रहती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 करोड़ में से 1 करोड़ ख़वातीन के साथ रेप और जिना के वाकयात पेश आते हैं अमेरिका की रिपोर्ट के लिहाज से। हिंदुस्तान की हालत का अफसोस का आलम यह है, हर घंटे में 3 से 4 वाकयात रेप के पेश आते हैं। और मुल्क आज़ाद होने के बाद से लेकर 2018 तक मुल्क में रेप के जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो 1 करोड़ केसेस हैं, जिनमें दलित लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म के वाकयात पेश आए। 1 करोड़ रेप के केसेस मुल्क आज़ाद होने के बाद से लेकर 2018 तक। आप अंदाज़ा कर लें कि रोज़ाना कितने वाकयात पेश आ रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है 2015 की रिपोर्ट, मुल्क में 34,651 वाकयात पेश आए सिर्फ 2015 में। 2015 से फिर 2016 में जब आए तो 2015 में 34 थे, 2016 में 38,000 हो गए, यानी पहले साल से 2000 रेप के वाकयात और बढ़ जाते हैं। और अफसोस की बात यह है 2019 में जनवरी से लेकर जून 30 तारीख तक पाँच छः महीने के अरसे में 24,212 वाकयात पेश आए रेप के हमारे मुल्क में। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, इस लिहाज से खुद
हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, 6 महीने का जो उसने सर्वे दिया है, जो केसेस हाई कोर्ट में पेश आए 2019 में 40,000 वाकियात पेश आए 6 महीने के अंदर, और इस लिहाज से रोज़ाना 130 औरतों की इस्मत रेजी होती है, इस लिहाज से हर 5 मिनट में एक औरत के साथ ज़्यादती का वाकया पेश आता है। ये मुल्क की हालत है, आप इससे अंदाज़ा करो। जो लोग कहते हैं लड़कियों को इस्लाम कैद में रखता है, बाहर जाने देना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उन्हें जॉब करना चाहिए, उन्हें को सिस्टम में पढ़ना चाहिए, क्या बना लिया लड़कियों का आलम, बाहर निकाल के कौन सी उनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लिया। आप अंदाज़ा करें हाथरस का वाकया, आपको मालूम है दलित लड़की काम से घर से बाहर निकली, 4 ऊंची जात के लोगों ने उस लड़की को खेत में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की, रेप किया, और रेप करने के बाद उसकी जुबान काट दी कि हमारे खिलाफ गवाही ना दे, और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी कि चलकर हॉस्पिटल ना जा सके। 15 दिन तक वो लड़की हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही, और पुलिस इन 4 आला जात के लड़कों का केस क्या दर्ज करती है, सिर्फ लड़की को छेड़े हैं, बस सिर्फ छेड़ा गया है, रेप का केस भी उसमें दर्ज नहीं किया गया। 1 हफ्ता एहतजाज करने के बाद पुलिस लिखती है कि हाँ रेप भी हुआ है। तो आप बताइए जब जालिम की इतनी तरफदारी कानून की तरफ से होगी तो फिर मुजरिम को क्यों छूट नहीं मिलेगी, क्यों वो ज्यादती नहीं करेगा। अब तो सिर्फ बाहर की लड़कियों के साथ ये वाकियात पेश आ रहे हैं, वो दिन भी आएगा कि माँ के साथ ज्यादती होगी, बहन के साथ ज्यादती होगी, और बेटी के साथ ज्यादती होगी, तो भी कानून कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मुजरिमों का, क्योंकि आंखों से देखकर जुबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, फिर भी केस में दर्ज किया जाता है कि सिर्फ छेड़ा है बस। तो आप बताइए कानून कितना रिश्वतखोरों के हाथ में है, मुहाफिज कितना बिक चुके हैं, कमजोर पड़ चुका है कानून मुजरिमों को सजा देने के सिलसिले में। और उलमा के खिलाफ मुंह खोलने वाले उन हैवानों को भी सामने आना चाहिए, हमारे उलमा क्या कर रहे हैं। उलमा के बयानात तरगीबी होते हैं, आखिरत का खौफ दिलाने के होते हैं, कानून और पावर जिसके हाथ में होता है उसे पूरी जिम्मेदारी निभानी होती है। उलमा अगर बयानात में हक गोई कर लें, सही बात बयान कर लें, तो बहुत से सुनने वालों को बर्दाश्त नहीं होता है। सूद के खिलाफ बोलूं मैं, सूद खोर खड़े हो जाएंगे, रिश्वत के खिलाफ बोलूं मैं, रिश्वत खोरों को लग जाता है, और जहेज खाने वाले हराम खोरों को बोलें तो जहेज खाने वालों को लग जाता है, बेपर्दा घुमाने वालों को बोलें तो बेपर्दगी किसके साथ जीने वालों को उलमा की बात चुप जाती है। और जो चेहरे पर सुन्नत नहीं सजाते, जो धोखा देते, जो मिट्टी का खाते हैं, उनके खिलाफ बोलो तो उनको लगता है, जाहिर सी बात है। तो जब उलमा की बातें ही बुरी लगती हैं और इधर क्राइम बुरे नहीं लगते हैं, बदकारियां बुरी नहीं लगती हैं, शराब बुरी नहीं लगती है, जिना और रेप बुरा नहीं लगता है, वहां कोई मुंह नहीं खोलेगा, हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं बोल सकेगा, वहां मुतालबे नहीं कर पाएंगे, और यहां मेंबरों पे बैठकर जो हराम कारियां हमारे समाज में उसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की सुनाई जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। क्या दोहरा और दोगला चेहरा है, जहां कुरान हदीस की सुनाई जाए वो भी भारी पड़ जाए, और जहां पर जुल्म की ये इंतहा हो जाए वहां पर कोई मुंह खोलने भी तैयार ना होता हो। अफसोस, हमको असबाब पर गौर करना चाहिए कि ये असबाब और ये वाकियात क्यों पेश आते हैं। असबाब में से 2-4 सबब जिक्र किए जाते हैं, बाकी आज का बयान जो किया जा रहा है उस पर मुस्तकिल पूरी किताब इस्मत दरी असबाब और सद्दे बाप के नाम से बाहर फरोख्त होगी। जिम्मेदारी के साथ खरीदना और उसे मुताला करना, ताकि इस वास्ते कि ये जो वाकियात किन वजूहात से पेश आ रहे हैं उनसे हम बचें, अपनी नस्ल को बचा सकें, अपने खानदान को बचा सकें। पहला सबब बड़ी बेशर्मी के साथ हमें कहना पड़ता है, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल। हर जवान रात के अंधेरे में गंदी फिल्में देखने, सेक्स फिल्में देखने की खातिर घंटों लगा रहा है, जो घंटों नंगी औरतों को देख रहा है, नंगे मर्द देख रहा है, और उनका आपस का गंदा हैवानों की तरह मिलते हुए देख रहा है, और उसमें शर्मगाहों को बोसा लिया जा रहा है, मुंह लगाया जा रहा है, ये सब देखने के बाद वो इंसान इंसान रहेगा अंदर से? वो रिपोर्ट देखिए, एक मिस्र के रहने वाले डॉक्टर अली जव्वाद लिखते हैं, 15 से 20% तलाकें
ये पोर्न फिल्में देखने की वजह से होता है, सेक्स फिल्में देखने की वजह से मर्द नामर्द बन जाता है, बीवी का हक अदा नहीं कर पाता। बीवियां अपने शोहरों के खिलाफ केस करके तलाक लेती हैं शादी के बाद भी, मर्द शादी के बाद भी ऐसी गंदी फिल्में देखकर बीवी के साथ वैसी हरकतें जो फिल्म में देखा है वैसी गंदी हैवानों की तरह मिलना चाहता है। जब मुल्क में ऐसे वेबसाइट खुले रहेंगे और जो गूगल में जाकर जब सर्च करना चाहे ट्रिपल एक्स मार के सर्च कर सकता है, हर हैवान हर घर का बच्चा अपनी माँ के साथ बहन के साथ जैसे जैसे वो निगाह करेगा उसे वो देखी हुई गंदी तस्वीरें दिमाग में बार बार घूमती रहेंगी, तो माँ को उसी निगाह से देखेगा, बहन को उसी निगाह से देखेगा, पड़ोसियों को उसी निगाह से देखेगा, भावज को उसी निगाह से देखेगा, तो जब मौका मिलेगा तो फिर वो गंदी हवस वो हैवानियत उभर कर आएगी और मौका मिलते ही मुंह मारने की कोशिश करेगा। क्या हुकूमतें ऐसी गंदी वेबसाइट पर ब्लॉक नहीं लगा सकती हैं, इन्हें पाबंद नहीं कर सकती हैं? जैसे सऊदी अरबिया में है, हमने वहाँ पूछा तो मालूम हुआ कि यहाँ आपके पर्सनल वाईफाई में जो आप रिचार्ज कराते हैं कोई गंदी वेबसाइट आपको खोलने की इजाज़त नहीं है, नहीं खुलेगी वहाँ पर। और आज तस्लीम करो इस्लामी कानून को। ये जितने ममालिक 10 कंट्रीज का हमने सुनाया कि जहां हर 5 मिनट में रेप हो रहा है, हर 20 मिनट में रेप हो रहा है, सऊदी अरबिया और अरबियन कंट्रीज उसमें दाखिल नहीं है, एक अरबी मुल्क उसमें दाखिल नहीं है। वजह क्या है? वजह पर्दा है, इस्लामी कानून है, जिना पर होने वाली सजा है, जिसकी वजह से एक मर्तबा अमेरिका के जॉर्ज बुश ने या बिल क्लिंटन ने सऊदी अरबिया के रहने वाले शाह फैसल से कहा था इस्लाम में इतनी जकड़बंदी, औरत पे बुरका पर्दा पाबंदी, ये सब इस्लाम के हुकूक में औरतों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो उस वक्त शाह फैसल ने कहा था, थोड़ा ये बताओ तुम्हारे मुल्क में सालाना रेप की रिपोर्टें और मर्डर की रिपोर्टें कितनी हैं? उसने फिगर गिनाया, इतने हजार इतने लाख सालाना हमारे पास होती हैं। तो शाह फैसल ने कहा था, अल्लाह की कसम मेरे मुल्क में साल में एक वाकया भी रेप का पेश नहीं आता है, एक वाकया भी रेप का पेश नहीं आता है। जिना पर संस पत्थरों से मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा, कोड़े मार कर ख़त्म कर दिए जाएंगे। जब सज़ा ऐसी होगी तो देखने वाला काम जाएगा, शादी करेगा रेप नहीं करेगा, शादी करेगा जिना नहीं करेगा। तुम्हारे यहाँ पर औरतों को आज़ादी, मर्दों को आज़ादी, कुत्ते बिल्ली गधे सुअरों की तरह आज़ादी दे दी गई है, जिसकी वजह से हर इंसान इंसान नहीं हैवान बना फिरता है। कानून इस्लामी को एतराफ यहां तक 2012 के आप अखबारात उठा के देख लो, गैर मुस्लिम सियासी लीडरों ने पार्लियामेंट में बैठकर कहा कि इस्लाम में जो कानून है जिना का वो हमारे मुल्क में होना चाहिए। आए आप तस्लीम करने के लिए कि इस्लाम में कानून सजा क्यों रखी गई है, जिना की वजह से संसार क्यों कर दिया जाता है, जानियों को जेल में बिठाकर खूब खिलाकर सांड बनाकर फिर बाहर भेजोगे तो और चार लड़कियों की इज्जत जाएगी। 7 साल आसिफा लड़की को मंदिर के अंडरग्राउंड में रखकर एक हफ्ते तक रेप किया गया, उन तीनों गैर मुस्लिमों को क्या सजा मिली, जिसमें एक पंडित भी दाखिल था, क्या सजा मिली उन लोगों को? मुजरिम को सजा देना यह सबसे अहम उसूल होता है, ये एक बड़ा सबब है गंदी फिल्में देखने के। जो नौजवान आदि हैं हम कसम खा सकते हैं कि वो शादी के लायक नहीं रहते, वो अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पाते। गंदी फिल्में देखने से बचो नौजवान, खास तौर से रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बेहयाई के वेबसाइट खुला रख कर देखता है। अफसोस आप उठा के पढ़ लो कितने करोड़ों की आमदनी इन गंदे वेबसाइट से की जाती है। आजकल कोई तालिबे इल्म कोई स्टूडेंट अपना कोई होमवर्क हो या कोई क्लास वर्क हो वो भी अगर गूगल पर सर्च करने के लिए थोड़ा सर्च करता है, दरमियान में ऐसे गंदे एड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पढ़ने वाला वो तालिबे इल्म भी मजबूरन गंदे वेबसाइट पर चला जाता है। क्लास में अफसोस मुझे एक स्कूल के बारे में पता चला, एक स्कूल में बच्चे और बच्चियां दोनों सामने बैठी हैं, बेशरम टीचर वो लड़कों से और लड़कियों के सामने पूछता है तुम्हें ट्रिपल एक्स का मीनिंग मालूम है क्या है, तो आप बताइए वो क्लास में किसकी तरफ बच्चों का दिमाग लेके जा रहा है, वो किधर उनको उन्हें घुमाना चाह रहा है। ये इस कदर बेहयाई का सबब है कि जब बुराई देखेगा तो आदमी बुराई करना चाहेगा। आप में से जितने लोग सऊदी अरबिया गए हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, इनमें एक हफ्ता आप क़ियाम करते हैं, एक म्यूज़िक की आवाज़ कभी आती है,
एक गाने की आवाज आती है, एक नंगी तस्वीर दिखती है। अल्लाह ने उस शहर को जो महफूज रखा, वही तालीम पूरे दुनिया के मुसलमानों को है कि अपने माहौल को ऐसा रखो, तुम्हें बेहयाई की तस्वीरें ना दिखें, तुम्हें गाने की आवाजें ना आए, तुम्हें गंदी तस्वीरें ना दिखें, गंदे वीडियोस ना दिखें, तो आदमी की सोच भी महफूज रहती है। माहौल अच्छा मिलेगा तो फिर बुराइयां भी इंसान के समाज से खत्म होंगी। दूसरा सबब है मर्द और औरतों का आजादाना इख्तलात। स्कूलों में देखो को सिस्टम, कॉलेजों में देखो को सिस्टम, कंपनियों में देखो को सिस्टम। लड़का लड़की जब बाजू बैठेंगे, लड़की रोजाना मेकअप करके आएगी, बन सवर के आएगी, एक दूसरे से छेड़म छाड़ी होगी, मजाक होगा, पार्टियां होंगी, तो फिर बताइए क्या दोस्तियां नहीं होंगी? फिर गंदे वाकयात पेश नहीं आएंगे? आप जॉब करो लेकिन औरतों का सेंटर अलग क्यों नहीं बनाया जाता है? कितने जॉब सेंटर ऐसे हैं जहां के डस्टबिन में कंडोम ज्यादा पड़े रहते हैं, शर्म नहीं आती है? कितने हॉस्टल्स ऐसे हैं जहां पर ये प्रोटेक्शन ज्यादा यूज किया जाता है? ये बेशर्मी के वाकयात मखलूत माहौल की वजह से होता है। लगता है कि बहुत खुला बोला जा रहा है। आप समझो, अमेरिका की रिपोर्ट है, जितने कॉलेजेस हैं कॉलेज के बाजू वहां पर अबॉर्शन सेंटर भी कायम किया जाता है। बताइए कॉलेज के बाजू अबॉर्शन सेंटर होगा या हॉस्पिटल में होगा? अबॉर्शन सेंटर अलग क्यों कायम किया जा रहा है? पता चला कि हुकूमत खुद इजाजत दे रही है, आप जो कर रहे हैं माँ बाप तक भी बात जाने की जरूरत नहीं, यहीं आप मामला निपटा लीजिए। अफसोस की बात, हमारा तालीमी निज़ाम भी 8th-9th में पहुंचते ही लड़कों लड़कियों के सामने सेक्स की पूरी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो आप बताइए 8 साल के बच्चे को सेक्स की तालीम, 9 साल के बच्चे को सेक्स की तालीम दी जाएगी, उसे पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा, तो फिर बच्चों की सोच क्या हो जाएगी? तभी तो 14 साल की बच्ची के साथ 6 लड़के जो उससे भी कम उम्र के हैं उसके साथ गंदी वाकयात पेश आ रहे हैं। तीसरा सबब है खवातीन का फैशन, कपड़े कैसे पहनते हैं, चाल चलन कैसी होती है, सीना दिख रहा है, कमर दिख रही है, गला दिख रहा है, फिर क्या बोलते हैं? ऐसी बेहयाई के लिबास पहनने के बाद फिर साफ तौर से प्ले कार्ड में लिखकर कहा जाता है, डोंट टेल मी हाउ टू ड्रेस, मैं कैसे कपड़े पहन रही हूं इस बारे में कुछ मत बोलो, हमें आजाद रहने दो। अल्लाह की बंदियों, अगर ऐसे कपड़े पहनोगे तो मर्द नहीं बैल भी मुंह मारने के लिए आएगा, हैवान भी मुंह मारने के लिए आएगा। कपड़े महफूज, जिससे जिस्म महफूज रहे, चेहरा ना दिखे। हम अपने बिरादराने वतन गैर मुस्लिम भाइयों से कहते हैं, छोड़ दो कि इस्लाम में बुरका है, पर्दा है, हिजाब है, छोड़ दो, सिर्फ तुम एक अपनी बहन की हिफाजत के खातिर बुरका पहना के दिखाओ, अपनी बहन की हिफाजत के खातिर इस्लामी लिबास पहना के दिखाओ, फिर देखो वो अपनी बहनें कितना अब सेफ्टी महसूस करेंगी इस्लामी लिबास के अंदर। चाहे तुम्हें इसे इस्लाम का नाम मत दो लेकिन इस्लामी तालीमात को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करके देखो, बखुदा कोई लड़की चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो उसकी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। चौथा सबब है शादी में ताखीर। कितनी उम्र हो जाती है लड़कों की लड़कियों की, क्यों अभी पढ़ना है, MBBS है, MD है, DM है, फला है, इतने 34-35 साल की उम्र हो जाती है लेकिन शादी नहीं होगी। तो बताइए 14 साल में कोई लड़का बालिग हुआ, 13 साल में कोई लड़की बालिग हुई, 35 साल तक वो अगर बगैर शादी के रहेगा तो ऐसा हुआ गोया के सुबह 8 बजे किसी की भूख लगी है, रात के 8 बजे तक भी उसे खाने को एक निवाला नहीं मिला, तो रात के 8 बजे के बाद वो छीनने के लिए निकलेगा, अगर वो चोरी करके भी खाना चाहे तो खाएगा। वैसे ही 15 साल के बाद जब जिनसी हवस पैदा हो गई, उसे सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा हो गई, लड़का बालिग लड़की बालिग, लेकिन शादियां हो रही हैं 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद, तो ये 10-15 साल के अरसे में ना बाप शादी करने तैयार, ना भाई शादी करने तैयार, तो फिर क्या होगा? निकाह का बाद में देखेंगे, जिना पहले कर लेंगे। इस वास्ते ताखीर से निकाह करना, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया, शादी के लायक हो जाए बच्चियां शादी कर दो, लड़के शादी के काबिल हो जाए शादी कर दो। पांचवी वजह है वालिदैन की मसरूफियत। भेज दिया लड़की को कॉलेज में पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए, हॉस्टल कैसा है, कॉलेज कैसा है, माहौल कैसा है, कोई देखना नहीं है, तालीम अच्छी है बस उस वास्ते रख दो, वहाँ के अखलाक कैसे हैं, वहाँ के लड़कों के साथ दोस्तियाँ कैसी हैं, ये सब देखा नहीं जाता, तो फिर ऐसे हालात और वाकयात पेश आते हैं। और
20-22 वाकियात असबाब हैं जहां पर ऐसे वाकियात पेश आते हैं। अब असबाब का हल क्या है? इसमें असबाब में से एक सबब यह भी है कि मुजरिम को बर वक्त सजा ना मिलना। मुजरिम को जब वक्त पर सजा नहीं दी जाएगी तो ऐसे वाकियात पेश आते रहेंगे। क्या होता है, जिस लड़की के साथ ऐसी ज्यादती हुई, 1,00,000 रुपए ले लो, 2,00,000 ले लो, 5,00,000 ले लो, 10,00,000 ले लो, मुसालाहत करा दी जाती है, डराया जाता, धमकाया जाता, जान लेने की धमकी दी जाती, खामोश रहो, केस नहीं करना। जब खुद सपोर्ट में खड़े होकर मजलूम को डराया धमकाया जाए, मुजरिम का सपोर्ट किया जाए, तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम खत्म नहीं होगा, कोई मुसालाहत नहीं। जैसे यहां पर एक वाकया तेलंगाना में पेश आया था कि इस तरह के रेप के वाकयात में मुब्तला होने वाले लोगों, 3 नौजवानों का इनकाउंटर कर दिया गया था। जैसे ही मालूम हुआ कि 3 मुजरिम है, इनकाउंटर कर दिया जाए, खुलेआम उन्हें मार दिया जाए, तब जाकर एहसास होगा कि इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई डेट नहीं, कोई अदालत का केस नहीं, फौरन इनकाउंटर किया जाएगा। तब आदमी के दिल में कानून का डर पैदा होगा, कानून का खौफ पैदा होगा। आज लोगों को ना समाज का खौफ है, ना बाप का खौफ है, ना खानदान का खौफ है, कानून का भी खौफ नहीं रहा, तो फिर बताइए जराइम बढ़ेंगे तो नहीं क्या होंगे? असबाब क्या है, हमें क्या करना चाहिए? असबाब के सिलसिले में याद रखें, इस्लामी कानून तो इस मुल्क में नाफिज नहीं हो सकता, इस वास्ते कि इस्लामी कानून ये कहता है कानून नाफिज करना मसले का हल नहीं है। कानून से पहले माहौल बनाना चाहिए। माहौल क्या है? औरतें पर्दे में रहेंगी, बगैर ज़रूरत के बाहर नहीं निकलेंगी, निगाह नीचे रहेगी, कपड़े इस्लामी पहनेंगे, एक दूसरे से इख्तलात नहीं होगा, बिला ज़रूरत बात नहीं होगी। हत्ता के कानून इस्लाम ये कहता है जवान मर्द जवान अजनबी औरत को सलाम भी नहीं करेगा, इतना एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। लिफ्ट में चढ़ते हुए 2 मिनट की खातिर भी अजनबी लड़का अजनबी लड़की एक साथ नहीं चढ़ेंगे। अजनबी लड़की है उसे जाने दो, 5 मिनट तुम इंतजार कर लो, बाद में तुम जाओ, लेकिन लिफ्ट में भी एक दूसरे के साथ तन्हा मत रहो। ऐसे वाकयात होने के बाद फिर अगर वैसे नामुनासिब जिना के वाकयात पेश आ जाते हैं तो इस्लाम ये कहता है उसके बाद भी 4 मर्दों ने अपनी आंखों से देखा हो जिना होता हुआ, फिर उसके बाद सजा दी जाएगी। ये माहौल हमारे मुल्क में जहां पर आजादाना लिव इन रिलेशनशिप कि भाई लड़का लड़का भी शादी कर सकता है, लड़की लड़की भी शादी कर सकती है, अब तो आगे कानून हो सकता है बन जाए, बेटा माँ से भी शादी कर सकता है, बाप बेटी से भी शादी कर सकता है, भाई बहन से भी कर सकता है, जब हैवानों को यहां तक आने की जरूरत हो गई तो अब आगे और बढ़ना क्या मुश्किल है? हो सकता है कि सेकुलर के नाम पर और आगे बढ़ जाएं, थोड़े से ऐसे भी कवानीन बन जाएं। चूंकि 1990 तक अमेरिका में भी ये जुर्म था इस तरह के ताल्लुकात, लड़का लड़के से ताल्लुक, अब तो स्कूलों में तरकीब दी जा रही है, अब तो मुस्तकिल 54,000 वेबसाइट्स ऐसे हैं जिसमें लड़का और लड़के के ताल्लुक को प्रमोट किया जा रहा है, LGBT को प्रमोट किया जा रहा है। लोग इसे इन हैवानों की जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, वैसी हरकतों को आजादी के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए इस्लाम का मुताला करना पड़ता है और इस्लाम के माहौल को नाफिज पहले करना पड़ता है। उसके लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ कानून को या हुकूमत को बुरा कहने से हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं होते हैं। हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि अपने निगाहों की हिफाजत, मुकम्मल पर्दे का अहतमाम, पर्दा चाहे इस्लाम का समझो, पर्दा चाहे सेफ्टी के लिए यूज़ करो। अरे जब भिखारी भीख मांगने के लिए बुरका पहन रहा है, चोर चोरी करने के लिए बुरका पहन रहा है, मर्डर करने वाले चेहरा छुपाने के लिए बुरका पहन रहे हैं, हम कहते हैं इज्जत बचाने के लिए भी इस्लामी लिबास पहन लो। क्राइम के लिए क्यों यूज़ करते हो इस्लाम का लिबास? अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्लाम का लिबास इस्तेमाल कर लो। लेकिन अफसोस, हम बिरादरान वतन को क्या कहें, हमारे मुसलमान भाई मुसलमान बहनें ऐसी बेहयाई के लिबास पहनकर जब वो कॉलेजेस में दिखती हैं, जब वो मार्केटों में दिखती हैं, मुसलमानों से इस्लामी लिबास उतरते जा रहा है, तो हम गैरों से क्या दरख्वास्त करेंगे कि आप इस्लामी लिबास पे आइए। बर वक्त निकाह करने का अहतमाम, जवान हो गई औलाद पहले शादी कर दो, दुनिया बाद में सेट होगी, घर बाद में सेट होगा, ये अपने पैरों पर बाद में खड़ेगा, लेकिन इज्जत तो बच जाएगी, लड़की हाथ से तो नहीं निकलेगी, जवान लड़का जिना के अड्डों पर तो नहीं दिखाई देगा। और पांचवीं बात है निकाह को आसान करना। निकाह इतना मुश्किल बना लिया कि निकाह करना भी चाहे हलाल मुश्किल हो गया है, हराम आसान हो गया है। लोगों को मालूम हो गया
फलां एरिया की लड़की 300 में मिल जाएगी, फलां की 600 में, फलां की 1000 में, फलां की वेबसाइट में जिस तरह होम डिलीवरी हो रही है, ऐसे वेबसाइट भी हो गए हैं कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके लड़की बुक करके घर बुला सकते हैं। बताइए ऐसी बेहयाई को जब प्रमोट किया जाएगा तो कहां से इस्मत रेजी के वाकयात महफूज होंगे, कहां से बच्चियों की इज्जत महफूज रहेगी। शादियां वक्त पे करो, आसान करो, और तादुदे इज्दिवाज, एक से ज्यादा निकाह को रिवाज दो। ये बददिमागी निकालो दिमाग से। दूसरा निकाह आयब है, तीसरा निकाह आयब है। जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी है, जिन्हें हैसियत है उलमा की मुकम्मल रहबरी में, दूसरे तीसरे निकाह का प्रोग्राम बनाओ। जब तक नहीं होगा बेवा औरतों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक नहीं होगा गरीब लड़कियों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक नहीं होगा शादी के बाद तलाक लेकर बैठी हुई औरतों की इज्जतें लुटती रहेंगी, जब तक तादुदे इज्दिवाज, एक से ज्यादा निकाह को मुसलमान प्रमोट नहीं करेगा। फहश फिल्में देखने से बचो, लड़कियां और नौजवान भी। ऐसे गंदे वेबसाइट पर मत जाओ, इससे खुद की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मखलूत निज़ाम माहौल, मुसलमान अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेजेस में ना पढ़ाएं। चाहे जाहिल रहे हमारी बेटी, घर संभाल ले, औलाद की तरबियत कर ले, लेकिन जहां उसकी इज्जत दांव पे लग जाए, उसका क्लासमेट, उसके साथ पढ़ने वाला उसका रेप कर दे, उस कॉलेज से बेहतर ये जिहालत है जहां पर वो घर में रहकर अपने खानदान की इज्जत महफूज रख सके। आसमानों पे चढ़ गए, चांद पे चले गए, चंद्रयान 3 हो गया, लेकिन औरतों की इज्जत महफूज नहीं रही। कौन सी तरक्की है ये? इंसान इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया। आसमानों पे जाना तरक्की है या इंसानियत की हिफाजत तरक्की है? लड़की लड़की बनकर रहना तरक्की है या लड़की के साथ हैवान बन जाना तरक्की है? इस वास्ते मखलूत निज़ाम से बचना, सजा वक्त पर दी जाना, शराब और नशे के माहौल से बचना। इस्लाम को इस नीयत से मुताला करो कि इस्लाम एक ला है। एक मजहब होना छोड़ दो, एक ला के लिहाज से भी अगर तुम मुताला करोगे, इसकी हर तालीम में ऐसी कशिश और गहराई नजर आएगी कि इसके अलावा किसी और मजहब में हिफाजत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकअल्लाह।